गाइस उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है पीजीटी या फिर टीजीटी की पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या फिर ट्रेंड ग्रेजुएशन टीचर की जो वैकेंसी निकली है उसकी जो लास्ट डेट थी वो एक्सटेंड कर दी गई थी। 8 अप्रैल को ये आई थी विज्ञप्ति, तो इसकी आप देख सकते हैं वेबसाइट पर। दिनांक 15 अप्रैल मार्च से शुरू किया गया था जिसके आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जा रहे थे, तो यहाँ पे इसे वापस से 10 दिन का अतिरिक्त समय देने का निर्णय दिया गया है। इसलिए सबमिट करने की अंतिम तिथियाँ अब 21 अप्रैल 23 अप्रैल और 25 अप्रैल निर्धारित की गई हैं। किस किस की पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की 21, पेमेंट करने की 23 अप्रैल और सबसे लास्ट स्टेप सबमिट कराने की 25 अप्रैल निर्धारित की गई है। इसीलिए जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वैकेंसी में वो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का देख सकते हैं विज्ञप्ति, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे जिसने भी अगर वैकेंसी नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर और टीजीटी वाली। देखिए टीजीटी में आपके बीएड एप्लीकेबल है, आपकी अंडर ग्रेजुएट के साथ में बीएड होना मस्ट है, जबकि पीजीटी में आप विदाउट बीएड भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे वरीयता, अगर किसी के पास बीएड है तो उसकी वरीयता के नंबर वहाँ पे मिले हुए हैं, तो उसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में। तो यहाँ पे पेमेंट आप करें सेकेंड मोड में तो नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट या फिर अदर पेमेंट मोड से कर सकते हैं। बात करें शुल्क कितनी निर्धारित की गई है आवेदन शुल्क, तो जनरल के लिए देख सकते हैं यहाँ पे 700 रुपये है। और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जिसमें आप बैंकिंग जो शुल्क लग रहा है वो 50 रुपये यानी कि टोटल 750 रुपये। ईडब्ल्यूएस के लिए कम है 450, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 750, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 450, जनजाति के लिए 250, ठीक है। बाकी के सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं। विकलांग के लिए मूल श्रेणी, अगर विकलांग कोई जैसे मान लीजिए ओबीसी का है तो उसके लिए ₹50 लगेंगे, ठीक है, 750 के आधे। अगर वो जनरल का है 750 के, उसके आधे लग जाएंगे, ठीक है। बाकी के सभी के सेम है। और फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसमें रंगीन फोटोग्राफ है जो वो साढ़े इतने इसकी डायमीटर होना चाहिए। सिग्नेचर भी यहाँ पे स्कैन होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा जिससे आप वहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा की बात करें तो इतनी डेट तक उसकी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और इसकी जो आपकी जो अर्हता की तिथि यानी आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। योग्यता वेतनमान की बात करें, पे स्केल इसका लेवल 7 है, ग्रेड पे 4600 है, ठीक है, ओके। आरक्षण है वो यहाँ पे कुछ नियम दिए हुए हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ज़्यादा जरूरी है नहीं इसमें। परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा, कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र समय सारणी अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दे दी जाएगी, ओके। लिखित परीक्षा होगी, अब देख सकते हैं। चयन हेतु फ्रेश एवं तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। समय अवधि 2 घंटे की है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ओके। मेरिट बनाई जाएगी सबसे। वैकेंसी की बात करें किस किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्टेज हैं, तो यहाँ पे देखिए टीजीटी शिक्षक बालक वर्ग यानी कि मेल की सीट्स देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में जनरल की 1054 है जो मोस्टली सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जीव विज्ञान की बात करें तो 411 हैं, ओबीसी में 202 हैं, ठीक है। तो ये हैं, आप हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, ठीक है। बालिका वर्ग में देखें यानी कि फीमेल वर्ग में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी की 125 हैं, बालिकाओं की कम है यहाँ पे, और जीव विज्ञान की 24 हैं। मेल जो आपका वर्ग है उसमें ज़्यादा है अकॉर्डिंगली फीमेल से। और अहर्ताएँ देखते हैं, इनके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए सभी में यहाँ पे बीएड होना जरूरी है। कोई भी 2 साल का जो रेगुलर कोर्स होता है टीचिंग का, रेगुलर कोर्स या फिर डिस्टेंस कोर्स कोई कोई भी किया हुआ हो, वो सब यहाँ पे सभी में ये होना जरूरी है। अधिमानी अर्हता ये आवश्यक नहीं है, लेकिन इनसे आप अंक जो दिए जाएंगे अलग से वो यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे हिंदी में बात करें
तो BA हिंदी और संस्कृत के साथ में, या फिर 4 साल का इंटीग्रेट कोर्स हो, या फिर उसके अलावा आपने अलग से बीएड कर रखी हो, ठीक है, बीएड, एमएड, पीएचडी, या फिर किसी भी खेलकूद प्रतियोगिता में अगर आपने कोई प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखा है तो उसके अलग से अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर नहीं है तो उसके अंक आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इनकी सभी के आप देख सकते हैं। विज्ञान में वही सेम, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के साथ बीएससी की हुई हो, बीएड की हुई हो, या ये अधिमानी अहर्ता हैं आपके, ठीक है, एलिजिबिलिटी, जिनसे आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल सकती हैं। जीव विज्ञान में भी आपने बीएससी कर रखी हो इन सब्जेक्ट के साथ में, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के साथ में बीएड हो, और ये वाली योग्यताएं। ये होना जरूरी नहीं है आपको पीएचडी और एमएड वगैरह इनके, लेकिन एक्स्ट्रा अंक आपको दिए जाएंगे अगर आपको हैं, अगर आपके पास में है। कि टीजीटी वैकेंसी जो यूपी एजुकेशनल बोर्ड ने निकाली है उसके बारे में चर्चा, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितना इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया है। पीजीटी की हम आगे वाली वीडियो में बात करें।